शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी हमें कितने टाइम हो गया निकले? हम निकले थे 3 बजे, हमें 6:15 हो चुके हैं। 6:15 यानी कि 3 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं। 3 घंटे 15 मिनट पीछे बैठे हैं। अभी भी मेरा ख्याल है 1 से 1.5 घंटे का सफर अभी भी बाकी है। तो इसी तरह सफर चल रहा है और इंजॉय भी हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। अभी तो अभी हम थ्रोड विलेज क्रॉस कर रहे हैं और मेन बाजार आने वाला है। कैमरा शेक कर रहा है उस यार, मैं पीछे बैठा हूँ, गाड़ी है, फुल व्यू दे रहा हूँ आपको, और क्या चाहिए मैं भी बताओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत के साथ जिद्दोजहद है इनकी। आप बताओ यार, हाइकिंग करके मैं कितनी दूर गया हूँ, मेरी पाँव का कितना मसला। इनका बड़ा मसला हो गया था, इनकी बड़ी ज़्यादा शदीद पेन, इनका एक पहले भी फ्रैक्चर था तो वहाँ पर इनको जाना मसला शुरू हो गया था। लेकिन मैंने कहा कि भाई रुक जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, जो मैंने जाना है, जो मैंने काम शुरू किया अपने व्यूअर्स को जो है ना, वो जो है ना काम चीज़ें दिखानी ज़रूर है। तो यार यही इनके जो है ना आपके साथ मोहब्बत है, प्यार है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, तो आप जो है ना इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, ताकि जो है ना इनको पता चले कि जितना ये प्यार करते हैं आप उनसे इतने प्यार करते हैं। और फिर और चीज़ें दिखाया, ताकि इनको अप्रिसिएशन मिला करें। तो अभी गाइस थैंक यू। ओके, अभी हम आपको दिखाते हैं अथरोड विलेज की मेन बाज़ार, अथरोड विलेज का मेन बाज़ार, अथरोड मेन बाज़ार। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं, और दिखने में ऐसे ही लग रहा है कि लोगों का रश भी है पीछे, जो लोगों का हजूम नहीं था, लेकिन जैसे ही बाज़ार में एंटर हुए हैं तो यहाँ पे बच्चे बूढ़े जो है ना हर कोई मिल रहे हैं। धमाका झील, तो इसका नाम इसलिए पड़ा गया कि यहाँ पर एक गांव था जो पूरा सैलाब आने की वजह से बह गया, और फिर इसका नाम धमाका झील रख दिया गया। फिर कुछ भी नहीं भाई, झील आप देख रहे हैं, ये मंजर है, ये इसको बोलते हैं धमाका झील। यहाँ पर धमाका झील क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये वीरान क्यों है इसके इर्द गिर्द, मैंने इसकी पहली वजह हुई है, मैंने इसकी वजह ये बताता हूँ। यहाँ पर पहले ना एक गाँव हुआ करता था, और गांव में काफ़ी 200-400 घर थे, तो जो है ना अचानक से सैलाब आया और सारे के सारे घर और सारे खानदान एक ही कुछ ही दिनों के अंदर जो है ना वो डूब गए और बह गए, जिसकी वजह से दोबारा ना आए। तो लोगों ने यहाँ पर जो है ना दोबारा आबादी बनाई है, और जो पानी यहाँ पर रुक गया एक खड्डों की शक्ल में वो वहाँ पर बहता है, उस वजह से इसको धमाका झील कहते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर जो है एक मातम सा तारीख है, तो एक धमाके में जिस तरह सब कुछ उजड़ जाता है ना, यहाँ पर एक धमाके की तरह ही पानी ने सब कुछ उजाड़ दिया। चल 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 अंदर हो, अंदर हो, यहाँ पे रुके थे जरा एंजॉय करने के लिए, और थोड़ा सा एंजॉय किया है, रात हो गई है, थोड़ी थोड़ी शाम हो रही है, यानी कि हम रास्ते में थे तो ट्रैफिक जाम है और रात भी हो गई है। अभी आपको मैं सीन दिखाता हूँ जरा बाहर का, चेक कर रहे हैं, फुल ट्रैफिक जाम है, अभी हम रुके हुए हैं, पीछे से भी दिखाते हैं जी, ट्रैफिक फुल जाम। ये रोड सवात जा रहा है, और ख़बरों में सुना था कि ट्रैफिक जाम होगी है, लेकिन हमें अब असल में पता चल गया कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम है। तो अब देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। अभी तो सीन वीन यही है कि हम इधर खड़े हैं पहाड़ी के दरमियान, थोड़ा सा बाज़ार भी है। मोहित ये कौन सा बाज़ार है? पता नहीं, पूछी। तो बस सीन यही चल रहा है अभी तक, तो थोड़ी सी अपडेट मिलती है तो फिर बताते हैं आप। 20 से 25 मिनट के बाद ट्रैफिक चल पड़ी है और हम भी निकल पड़े हैं, ये लाइन लगी पड़ी है। माशाल्लाह जी हमारा रास्ता खुल गया, इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे जल्द ही, और बाहर बैठे हुए हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं, और इंजॉय के साथ साथ आपको भी इंजॉय करवा रहे हैं माशाल्लाह। फाइनली हम पहुंच गए हैं जी अपने स्पॉट पे, जहाँ पे हमने रुकना था, यानी कि हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये हाजी साहब आ गए हैं, हाजी साहब की दुकान माशाल्लाह, उस होटल में हमने स्टे किया था, और ये हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी होगी। गाड़ी नहीं खड़ी, गड्डी लग इधर गया,
हैं वो गाड़ी खड़ी है जी, वो गाड़ी तो माशाल्लाह गाड़ी खड़ी है और अंधेरा हो गया और अब हम उतरने लगे हैं, सामान वगैरह उतारेंगे और ज़रा फिर देखते हैं क्या सीन बनता है और आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। अशरफ भाई सुनाएं कैसा सफर यार? काफ़ी लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा दलील हुए हम, लेकिन जिस तरह हमने कटोरा लेक देखी, जहाज़ बांडा देखा और बाकी हमने डिस्कवरी की पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, कितने प्यारे एरियाज़ की, तो थकावट एक साइड पे, लेकिन वो जो व्यू था, वो जो नज़ारे थे, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। तो बात अशरफ भाई ने बिल्कुल ठीक कही है कि जो नज़ारे थे वो हम कभी भूल नहीं सकते और जो थकावट है वो अलग है एक जगह पे। तो अभी सामान वगैरह उतार लिया, सब कुछ हो गया और गाड़ी भी चली गई है और अब हम अपनी गाड़ी में, अब देखो क्या सीन बनता है, अब कहाँ पे कैंप लगाना है, कैंप लगा के कैंपिंग करेंगे और खाना शाना फिर खाना है। मेरी तो सलाह है मैं नहा लूँ क्योंकि हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है। हाँ भी तो तैयार श्यार होके नहा हो के एक दफ़ा हो गया हम फ्रेश, उसके बाद हमने छत पे कैंप लगाया और ये व्यू है बाहर का, मेन बाज़ार है और आज का शेफ मैं हूँ, जैसा कि वाइट कढ़ाई बना रहा हूँ, मलाई कढ़ाई, ठीक है? आपको पता है कि मैं वैसे भी बनाता रहता हूँ, मज़े की बनती है, तो इंशाल्लाह आज भी मज़े की बनेगी और भाइयों को इंशाल्लाह टेस्टी लगेगी। हाँ अभी तो अभी खाना शाना खा लिया हमने, अभी देखते हैं जो दोस्त आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें खा के। ईसा भाई कैसा लगा जी खा के आपको? हमारा ना आज इधर पाँचवा दिन है टूर पर और हमारा सबसे जो बेस्ट खाना था ना वो आज हमारा हुआ। जो समझ लो कि हम जहाँ दो रोटियां खाते थे वहाँ हमने तीन तीन चार चार खाई हैं। कमाल है यार, तू लव है यार। उमर भाई से पूछते हैं, उमर भाई कैसा लगा जी? भाई बहुत अच्छा लग गया खाना ना, तो मोटे ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, मैं बड़ा लव करता हूँ उसको। यार मेरे अल्फाज नहीं आ तारीफ के लिए। हाँ जी उस्मान भाई से पूछते हैं कि आपको खाना खा के कैसा लगा? यार खाना बहुत टेस्टी था, मुझे तो ऐसा है कि भाई जो तीन दिन से चार दिन से जो थकावट थी ना, जितनी भी थकावट थी खाना खा के खत्म हो गया, चस आ गया यार बहुत। थैंक यू। क्या चीज है? साध भाई से पूछते हैं जी, साध भाई कैसा बना? माशाल्लाह बहुत अच्छा बना खाना आपका, मजा आया खाना खा के, बहुत मजेदार था। खाना कैसा लगा जी? सीरियसली यार खाना बहुत मजेदार था, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और अगर कहा जाए इस टूर का सबसे बेस्ट खाना जो सा था वो उबैद राजपूत भाई ने बनाया और उम्मीद करता हूँ कि हमें कल का जो सी चाइनीज़ राइस है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें ऐसे ही मज़ेदार सा खिलाएंगे। लव यू इंशाल्लाह जी। कल हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस और आज का खाना भी बड़ा आया और अभी रात के एक बज रहा है तो खाना थोड़ा लेट हो गया लेकिन मज़े का था, सबको अच्छा लगा, बहुत खुशी दिल को खुशी हुई। अभी तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगे? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। और अब हम लगे हैं सोने।